जम्मू कश्मीर के पुखवाड़ा में हुई आतंकी मुठभेड़ में पौड़ी के लाल देश के लिए शहीद हो गए। शहीद अहमद अंथवाल का पार्थिव शरीर हेली सेवा के जरिए पौड़ी लाया गया, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद अमित अंथवाल के पार्थिव शरीर को नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। इस दौरान सैन्य सम्मान के साथ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जवानों के साथ ही सेना के जवानों ने भी नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी और शहीद के देशव्यापी बलिदान को याद कर उन्हें अंतिम विदाई दी। बता दें कि शहीद अमित के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ ज्वालपा घाट में किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव कोला भी ले जाया गया। इस दुख की घड़ी में ईश्वर से हर किसी ने शहीद अमित के परिवार को दुख सहने के लिए साहस प्रदान करने की कामना की। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि वो शहीद के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे मौके पर परिवार की मदद को सरकार सदैव शहीद अमित अंथवाल के परिवार के साथ खड़ी रहेगी। कि जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा त्याग है तो जीवन का उत्सर्ग करना है, वो भी देश के लिए। हमारे दो जवान उत्तराखंड के और देश के काम आ गए, ये हमारे लिए गर्व का विषय होता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से कश्मीर में ये दो शहादत हुई हैं, वो हमारी चिंता भी बढ़ाती है। आज तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया, सुबह गुरुप्रकाश गया था फिर यहाँ पौड़ी में। भगवान से ही कामना है कि ये तो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनका परिवार, माता पिता, भाई बहन, मित्र इस संकट की घड़ी में उनका मनोबल बढ़ाए रखें, उनके परिवार ठीक रहे, इस मेरे काम का। वहीं अमित की शहादत की सूचना मिलने के बाद से शहीद अमित का पूरा परिवार दुख से पूरी तरह टूट चुका है। अमित अपनी दो बहनों का इकलौता भाई था। दोनों बहनों की शादी के बाद अमित की इसी साल अक्टूबर माह में शादी होनी थी, जिसकी तैयारियों में अमित अंतवाल के परिजन जुटे हुए थे। लेकिन इससे पहले अमित दुनिया को अलविदा कहकर देश के लिए शहीद हो गया। अमित के पिता एक किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। यही चाहते हैं कि किसी माँ की गोद सूनी न हो आगे से। किसी हमने अपना भाई खोया है, कितना दुख हो रहा होगा। हम बोलने की हिम्मत तक मिली तब भी हमारे पे हिम्मत आ रही है। यही बोलना चाहते हूँ कि सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, हर वो कोशिश करनी चाहिए, हर वो कदम उठाना चाहिए, मतलब जो वहाँ पे वो करना चाहिए। बाकी क्या बोले, आप लोग समझ सकते हैं। हमारा भाई तो, हमें तो फक्र है, उस पे गर्व है, हमारा भाई अमर हुआ है। आपको बता दें कि शहीद अमित अभी महज 29 साल के ही थे, अब वो दुनिया को अलविदा कह गए। इसी साल अक्टूबर महीने में उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन इससे पहले ही वो देश के लिए शहीद हो गए। आतंकियों ने उनके कैंप में रविवार को हमला किया, जिसमें वो शहीद हो गए। देश के वीर सपूत अमित पैरा कमांडो की पोस्ट पर पुखवाड़ा में तैनात थे। साल 2010 में सेना का हिस्सा बने अमित अंथवाल ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक में भी हिस्सा लेकर दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें धूल चटाई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।